और गेम खेला जाते थे बीट हुए कोई नहीं एक और अभी भी 44 रन पांचवा नंबर पर अभी पर साली और ये तो की खेला है एक और पानी का चार रन चार का दादा थोड़ा पहुंचा है 48 रन सोनू और गेम खेला जाते थे जिन बीट हुए सोनू जा पहुंचे 41 रन के योग पर आगे और ये तो सीधा वहां फाइनल की तरफ गए थे अच्छी फील्डिंग वहां पर कोई रन नहीं एक पर अभी भी 42 रन पांचवा नंबर पर खाती पर साली गेंद करेंगे सोनू के लिए और सोनू ने गेंद को खेला है थर्ड में मारने के बाद चार रन इस चार रन के साथ 50 का आंकड़ा पूरा हुआ 52 रन पांचवा बॉल प्रगति पर और गेंद को दोनों ने खेल कर रखा दोनों ने गेंद चुरा लिया और ये चौगा हो गई चौगा हो गई चार रन पांच रन मिलेंगे और इस पांच रन के बाद फोर रन पहुंचा 57 रन और सोनू का 50 रन पूरा होता हुआ और टोटल स्कोर 57 रन पांच ओवर के समाप्ति बाद सोनू ने अपने 50 रन पूरा कर चुके हैं 5 ओवर की मदद से अगले बॉलर नाम जानना चाहूंगा और बीट हुए मैं बॉलर नाम जानना चाहूंगा इंतजार और ये दो अच्छी फील्ड किया गया पारी का छठा बॉल 157 रन दुआ को लाइट कर इंतजार और गेम के लगा जाते थे बीट हुए कोई नहीं अभी भी 157 रन छठा बॉल प्रगति पर सोनू सामना करेंगे और ये तो सीधा खेला मिडॉल की तरफ कोई रन नहीं एक और अभी भी 57 रन छठा ओवर प्रगति पर और ये तो सीधा खेला है थर्ड में बॉलिंग के बाद चार रन ये चार रन लेता जो थोड़ा बहुत 61 रन और सोनू जा पहुंचे 54 रन के योग पर अगली गेंद और गेंद को खेलने जाते थे और बीच हुए ओवर की दमाती एक और 62 रन 6 ओवर की दमाती के बाद जुआन को लाइन को टॉस आकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इसको जा पहुंचा 62 रन जुआनपुर का सोनू स्ट्राइक लेंगे रन स्ट्राइक 37 बॉलिंग करने के लिए आए हैं नए बॉलर दानिश पारी का सातवां ओवर कोटे का दूसरा ओवर सोनू स्ट्राइक लेंगे और इसे मारना चाहते थे लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं अभी भी इसको रुका हुआ 57 रन और सोनू से मारना चाहते थे फिर हिट हुए कोई रन नहीं अभी भी इसको रुका हुआ सातवां ओवर प्रगति पर सोनू और उसे हल्के हाथों खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं उठ पाया और दानिश गेंद करेंगे दोनों को और उसे हल्के हाथों खेल दिया ऑफ साइड में कोई रन नहीं अभी भी स्कोर रुका हुआ 57 रन सोनू 62 रन मार पे सोनू स्ट्राइक लेंगे दानिश की गेंद का और बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हो पाया अभी भी स्कोर 62 रन सातवां ओवर प्रगति पर दानिश का दूसरा ओवर पारी का सातवां ओवर स्ट्राइक लेंगे सोनू और उसे हल्के हाथों खेल दिया फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं लेकिन अंपायर कह कहना जाना चाहोगे एक रन और ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर यहाँ पहुंचा 63 रन जुआनपुर का स्कोर काफी अच्छी शुरुआत दोनों सलामी जोड़ी मैदान में आठवां ओवर देखते हैं सुल्तानपुर की तरफ से कौन बॉलर आते हैं
और सोनू स्ट्राइक लेंगे और उसे मार दिए सीधे ऑफ साइड में, गेंद गई बॉलर के हाथों में, कोई रन नहीं। इंतकार बॉलिंग करने के लिए तैयार सोनू को, और इसे मारना चाहते थे फिर से फिट हुए, कोई रन नहीं। आठवां ओवर प्रगति फरीदकोट 63 रन बुआलपुर का। सोनू स्ट्राइक लेंगे, काफी अच्छी बल्लेबाजी और इसे ऑफ साइड में खेल दिया है सीधे स्टेट बाउंड्री की तरफ, 4 रन स्कोर तेजी से पहुंचता हुआ 67 रन। पारी का आठवां ओवर, इंतकाब का दूसरा ओवर, सोनू स्ट्राइक लेंगे और उसे फिर से विकेट में खेल दिया, 4 रन स्कोर तेजी से जा पहुंचा 71 रन, 71 रन फिर स्कोर जा पहुंचा। आठवां ओवर स्वर्गति स्वर, सोनू काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसे खेलना चाहते थे, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी 71 रन पर रुका हुआ बुआलपुर का स्कोर, दोनों तरह में जोड़ी अभी भी मैदान में, और उसे हल्के हाथों खेल दिया और इस तरह से 1 रन ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 72 रन। खिलाड़ी चेहरा पर आगे बात नहीं जाएंगे और अभी भी रिव्यू पेंडिंग में है, खिलाड़ी चेहरा पर आगे बात नहीं जाएंगे, कोई भी खिलाड़ी अच्छी हमारे साइड अंदाज द्वारा और इस तरह से नोट आउट, एक छोटा बॉल का 72 रन, 72 रन स्कोर जा पहुंचा है। खेलिए आप लोग, इस सीजन का काफी अच्छा शुरुआत, यह नियम हर मैच में लग रहा है, आप जैसे नहीं लगा सकते हैं, मानना सबको पड़ेगा आप बार का डिसीजन, आपको अगर डाउट है तो बाद में देख सकते हैं शांति से। अगले बॉलर, बॉलर का नाम लेना चाहूंगा, अजय मोतीला खेला है, 4 रन के लिए, इस 4 रन होता तो थोड़ा बहुत अच्छी 70 रन। दीपक, अगले बॉलर दीपक और गेंदबाज सोनू, बल्लेबाज सोनू गेंदबाज दीपक सामना करेंगे और गेम खेलना चाहते थे बीच में और अब बार का इशारा 4 रन, बाई के रूप में बैट करोगे 4 रन और इस 4 रन का टारगेट थोड़ा पहुंचा 80 रन। नवा ओवर पर दीपक, दीपक का पहला ओवर, पारी का नवा ओवर, 71 रन बनाकर सोनू सामने आएंगे दीपक का। हाय देखो डेड बॉल, अभी भी स्कोर रुका हुआ 80 रन, सोनू 71 रन बना करना बाद बॉल की तरफ से ओपनर खरीदारी और ये डेड बॉल है, स्कोर 80 रन हुआ है। नवा ओवर पर दीपक, दीपक और गेंद खेलना चाहते थे कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 80 रन। नवा ओवर पर दीपक बुआलपुर का स्कोर बिना किसी नुकसान के और ये तीसरा खेला टूर्नामेंट बनने के बाद 9 बॉल और ये 4 रन और इस तरह से 5 रन मिलेंगे, स्कोर जा पहुंचा 85 रन। और वॉलंटियर गेंद को खोजे, स्कोर 85 रन, दोनों के बल्ले से निकलता हुआ चौका सोनू जा पहुंचे 76 रन पर, स्कोर जा पहुंचा 85 रन। नवा ओवर और फिर से स्कोर जा पहुंचा 89 रन, 89 रन 9 ओवर की प्रगति पर। नवा ओवर प्रगति पर स्कोर 89 रन और ये बीच हुए कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर 89 रन। बुआलपुर का टीम टॉस आकर पहले बल्लेबाजी करते हुए और दोनों खिलाड़ी ने
काफी अच्छा मैच यहाँ पर होता हुआ 9 ओवर की समाप्ति पर ग्वालपुर की टीम ने काफी अच्छी स्कोर बना ली है और ये बीपीएल सीजन का तीसरा मैच जो कि दर्शकों के खचाखच भरा हुआ और दूसरा का दूसरा ओवर पानी का आखिरी ओवर तमीम पानी का भी दूसरा ओवर है और पानी का आखिरी ओवर तमीम गेंद लेंगे सोनू के लिए और गेंद को सीधा खेला है जीत के लिए सुशांतपुर को 7 रन बनाने